अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? कैसे हैं शुक्र सर। आज हमारे साथ मौजूद है जनाब, अपना नाम सर बताइए। इरफान अब्दुल रहमान। इरफान साहब, नूर स्पाइसेस कौन बोलेंगे हम इसे? तो सर कितने साल से ये चल रहा है आपके स्टोर? ये 1989 से। 89 से जी। अच्छा, किस किस्म के स्पाइसेस वगैरह कहाँ कहाँ आप ऑनलाइन वगैरह भी करते हैं? किस किस्म के मतलब? नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको ऑर्डर अपना प्लेस करें। ठीक है, हमारा नुमाइंदा आपसे खुद रब्ता कर लेगा। और बाकी लोकल भी है, इसके अलावा अगर हम यहाँ का अंदर का मजीद विजिट करना चाहें? हाँ, देख लें, कोई मसला नहीं। अंदर जाके अगर बिल्कुल बिल्कुल करीब से अगर फोकस करना चाह रहे हैं, कोई मसला नहीं, आप देख लें अपने हिसाब से। ठीक है, तो आप चलेंगे या मैं खुद से कर लूँ? आप देख लें, मैं अपना आदमी दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। सलमान साहब अपने पास बिल्कुल करीब से लगाइएगा, तो हमें चीज़ थोड़ा सा डिटेल दे दीजिएगा इन चीज़ों की। थोड़ा सा इनका फोकस कीजिएगा कैमरामैन सामने, इनको बिल्कुल करीब से कीजिएगा। इनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, स्पाइसेस के बारे में ऊपर करिएगा। सही है, ठीक है सर, बताइए सर इनके बारे में क्या क्या आपके पास अवेलेबल है इस टाइम स्टोर में, क्या क्या अवेलेबल है इनके बारे में थोड़ा रेट वगैरह बता दीजिएगा। जी, जो हुकुम करें आप। दूसरी मतलब शॉप अदर शॉप से आपके रेट में जो स्टोर में कितना आगे है जनाब? सारे होलसेल के रेट होते हैं। ठीक है, कुछ बताएं क्या क्या अवेलेबल है आपके पास? जैसे कि ये बादाम है, ऊपर ये बादाम छोटी वाली बादाम है 340 रुपये पाव है। इसी तरीके की अमेरिकन बादाम होती है बड़ी बादाम, ये 480 रुपये की पाव है। फर्क सिर्फ कितना होता है कि छोटी बड़ी का फर्क होता है। ठीक, और कोई फर्क नहीं होता, ये ज्यादा ताकतवर होगी इसलिए। नहीं नहीं, सब एक ही रेट है, सेम रेट और अपना मतलब खानदान दोनों का एक ही है। ओके, सिर्फ रेट का फर्क है, साइज का फर्क है, तो रेट का फर्क है। है दोनों अमेरिकन समझ। इसी तरीके से काजू है जनाब, काजू 560 रुपये पाव है जनाब। ठीक है, काजू 560 रुपये पाव है जी। जी, एक पाव का है? एक पाव का 250 ग्राम का पैकेट होता है हमारे पास। ठीक है, 100 ग्राम 200 ग्राम का पैकेट नहीं होता हमारे पास। ओके, 250 मतलब पूरा 250 ग्राम होता है। इसी जगह से ही देखें आप, सुंदरखानी किशमिश है, किशमिश सुंदरखानी सबसे अच्छी किशमिश होती है सुंदरखानी। ये क्या है इसका पैकेट? ये 2 पाव का पैकेट है, 250 ग्राम का। जीतने का 280 रुपये की, 280 का पाव जी जनाब। चले, बहुत अच्छा। इस तरीके से ये आ गई ईरानी बनाम है, ये ओरिजिनल ईरानी बनाम है,
ये 720 रुपए की पाव है, सबसे बेहतरीन बादाम है, ईरानी बादाम। अच्छा, ईरानी। जी जनाब, एक पाव है 720 का। जी चले, बहुत शुक्रिया। और कोई आइटम के अलावा? आइए 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 अपन सर, आ जाए। जैसे ये मजा है छोटी, जी जैसे कि छोटी इलायची हमारे पास अच्छी वाली किस्म की छोटी इलायची होती है, देख रहे हैं आप छोटी इलायची, ये 380 रुपए की 50 ग्राम है, ठीक है। और ये बड़ी इलायची है, ये बड़ी इलायची 50 ग्राम 300 से 50 ग्राम 380 रुपए की, बड़ी इलायची है 130 रुपए की 50 ग्राम है, और ये लॉन्ग है, लॉन्ग 100 रुपए की 50 ग्राम है, काली मिर्च 50 रुपए की 50 ग्राम है, और दालचीनी, दालचीनी 90 रुपए की आधा पाव होती है जनाब, ठीक है। बादियान 120 रुपए की 50 ग्राम, ठीक है। जावत्री 320 रुपए की 50 ग्राम, जायफल 140 रुपए की 50 ग्राम, ठीक है, ऊपर ही रखिएगा। जैसे कि इमली का पैकेट 120 रुपए की आधा किलो, होलसेल में हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, मतलब ये 120 का आधा किलो, 120 रुपए की आधा किलो, सही मुनासिब। मार्केट में लोग बेचते हैं 180 रुपए की आधा एक पाव, 160 रुपए की आधा किलो, तो अपने पास होलसेल का प्राइस उठ रहा है 120 रुपए की आधा किलो, ठीक है, ठीक है जनाब। ये गुड़ वगैरह का भी बताइए थोड़ा सा। जी ये देखिए, ये वाइट वाला गुड़ है, ये देसी गुड़ है, ये देसी गुड़ है पिशावर का, बहुत बेहतरीन होता है खाने के अंदर, बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका। क्या हिसाब है, क्या वेट है इसका, कितने का देते हैं ये? 160 रुपये भी किलो, 160 किलो है जी, और 150 रुपये किलो है, ठीक है जी जनाब। इसी तरीके से हमारे मसाला जात वगैरह होते हैं, ये रखे हुए आप देख लें, ये सारे मसाला जात होते हैं हमारे। ये कौन सी? ये बड़ी मिर्चें, कश्मीरी मिर्चें कहलाती हैं, तलार की डेगी लाल मिर्चें, ठीक है। ये चटनी वगैरह मिर्च होती है, बहुत अच्छी चटनी बनती है इसकी। तो क्या इसका क्या पड़ेगा? ये 240 रुपए की पाव होती है, 240 का पाव, ठीक है। जैसे कि हमारे बिरयानी कौरमा मसाले वगैरह आप देख रहे हैं, ये हमारे अपने बने हुए होते हैं। ये एक पैकेट 100 रुपये का है, 2.5 किलो गोश्त का, समझ रहे हैं आप, एक पैकेट 100 रुपये का है। अच्छा, ये किसी वेट कितने? आधा पाव का पैकेट होता है ये, 2.5 से 3 किलो में, मतलब 2.5 से 3 किलो गोश्त में यूज होता है। अच्छा, शान का जो बड़ा पैकेट होता है वो 140-150 रुपए का मिलता है, 100 ग्राम होता है, ये 100 रुपए का 125 ग्राम है, प्लस ज्यादा भी है और टेस्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा होता है, समझ रहे भाई, ठीक है सर। भाई और कुछ दिखाना चाहिए? जी हमारे सारे मसाला जात वगैरह हैं, आप देखें। कुछ और खास आपके स्टोर में? कुछ अपने मसाला जात सबसे फेमस हमारे मसाला जात है। पैकिंग से वगैरह भी आप लोगों से सेटअप वगैरह? नहीं नहीं, वो फैक्ट्री में होता है हमारा पैकिंग वगैरह जो ना, वो सारा फैक्ट्री में होता है हमारा, समझ रहे हैं। जैसे कि कटिंग वाला बादाम पिस्ता वगैरह भी अवेलेबल होता है हमारा। बेटा एक कटिंग वाला बादाम पिस्ता भी हमारे पास अवेलेबल होता है, जैसे किसी को काटना नहीं है, किसी में यूज करना है तो वो कटावा भी मिल जाएगा। ये 380 रुपए का पाव होता है, जी 380 रुपए का पाव होता है। ये पिस्ता रखा हुआ है, ये पिस्ता है 800 रुपए पाव कटावा। ये साबित है? ये साबित है। ये क्या? 780 रुपए का पाव है, 780 का। जी जनाब, अच्छी क्वालिटी का पिस्ता होता है, बड़ा पिस्ता होता है। जी तिल है, तिल क्या है? 80 रुपए पाव है, तिल 80 रुपए पाव है। जी कौन बोल रहा है? ठीक है, और ये साबुत साफ सुथराई का हम बहुत ख्याल रखते हैं, हर चीज़ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह लगे से खुद भी आप लोग यूज करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। स्पाइसी ये कितने का है? ये अपना ये साबुदाने का पैकेट है, 30 रुपए का पैकेट है, आधा पाव का 60 रुपए पाव। हर चीज़ हमारे पास होलसेल के प्राइस में अवेलेबल होती है जनाब, ठीक है जनाब। आगे चलते हैं सर, ये देखें, ये हमारी फ्राई प्याज है, ये हमारी अपनी अवेलेबल होती है, हाँ हमारे अपनी फ्राई हुई भी होती है, 180 रुपए की आधा किलो बगैर कॉर्नफ्लावर की प्याज होती है। 180 का? 180 रुपए की आधा किलो बगैर कॉर्नफ्लावर की प्याज है, इसी में मार्केट में बिकती है 200 रुपए की आधा किलो कॉर्नफ्लावर वाली प्याज। पर अपने पास बाहर क्या रेट है इसके? ये बाहर नहीं बिकती, ये सिर्फ हमारे पास होती है, मतलब फ्राइड आपके पास? हाँ ये हमारा ब्रांड है, सिर्फ हमारे पास होता है। ठीक है, 1989 आइए सर, इसको दे देंगे। और चलिए सर आगे, बाकी चलते हैं, देखते बस एक नहीं, बकाया पीछे होलसेल का काम है, वो आपके मतलब का नहीं है। अच्छा ठीक है, रिटेल जो ना आपके काम है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हम जनाब उनसे मिले थे, सलमान साहब क्या नाम? इरफान। भाई
होलसेल का डिपार्टमेंट है वो अपने चिप्स वगैरह के जैसे फ्राइज वगैरह का काम होता है, बर्गर वगैरह का काम होता है, पकवान का काम होता है, सही वो सब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं बिल्कुल मुनासिब रेट में हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अंदर का भी चेक करेंगे या नहीं? सारा ये जो जहाँ रखा हुआ है वो सेम अंदर ही रखा हुआ है। चले यहाँ के देख लेते हैं कुछ ये बादाम वगैरह रखे हुए हैं, पिस्ता वगैरह, फली वगैरह, ये आइटम है सारा। क्या बताइए? सारा होलसेल डिपार्टमेंट है, ये रिटेल का आइटम दोनों सारा आगे होता है, हर चीज़ अवेलेबल मिल जाएगी आपको। कोई भी आइटम है पकवान के हवाले, क्या आपकी स्टोर वगैरह? हमारी 9 से 9 की टाइमिंग होती है, 12 घंटे सुबह 9 से रात 9 रात 9 बजे तक। जुम्मे को हमारी दुकान 1 बजे बंद हो जाती है। ठीक है, नंबर वगैरह भी बता दीजिएगा यहाँ का नंबर वगैरह। ये दुकान एड्रेस मैं आपको दे देता हूँ अभी। हमारी दूसरी ब्रांच भी है वाटर पंप के ऊपर। ठीक है, वाटर पंप भी आपकी ब्रांच है, उसके अलावा कहाँ है? नहीं बस वाटर पंप, सिर्फ वाटर पंप है। ये हमारी पहली ब्रांच है, ये हेड ऑफिस के लिए, हेड ऑफिस हमारा, दूसरी ब्रांच हमारी वाटर पंप के ऊपर है। आप वहाँ पे ही विजिट कर लीजिएगा तो आपको देखिए ग्राहक को बताने में आपको आसानी हो जाएगी। चलिए ठीक है जी, आगे चलते हैं। आप बाहर से भी एक व्यू ले लो, पूरा इधर बाहर का बाहर खड़ों के एड्रेस वगैरह समझा दो, आसानी हो जाएगी। सर बहुत शुक्रिया, फिर इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट विजिट भी करेंगे आपकी दूसरी ब्रांच के लिए। बहुत बहुत थैंक यू। सर अपना नंबर भी मेरे कार्ड पकड़ लीजिएगा। जी आयशा बिल्कुल करेंगे, मेरे कार्ड दे दें शॉप कार्ड। ठीक है सर, इसको फाइनल रिव्यू करके ना उसका अपना इसको फास्ट ट्रैक में कर देना, फास्ट ट्रैक में। मेरा व्हाट्सएप नंबर है भाई, तो वहाँ पर थैंक यू। बेटा ये क्या है, क्या चीज़ है? अच्छा चॉकलेट है। बना ले कस्टमर वाले मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।